नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मैनपुरी के बीएलओ का एसडीएम को धमकी देते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मतदाता कार्य में रुचि न लेने पर एसडीएम किशनी ने बीएलओ को फोन किया था, जिसके बाद बीएलओ भड़क गए और एसडीएम को देख लेने की धमकी तक दे डाली। बीएलओ लगातार एसडीएम से अभद्रता करता रहा। पूरे मामले का ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बिल्कुल एसडीएम नहीं है, लेकिन इस बात को तुम्हें जवाब देना होगा जो हम पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम जवाब दे देंगे। हाँ ठीक है, जवाब बताते हैं तुम्हें कैसे जवाब देना है। हम तुम्हें बताएंगे जवाब देंगे। कितनी मिल ली हम कल नहीं, आज हम कमरा शिफ्ट कर ले, कल नहीं, कल नहीं। अरे हम आज ही किसने तुम्हें जहाँ आना हो। देखिए, संज्ञान में आया था उप जिलाधिकारी किशनी के साथ एक बीएलओ का जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है उसका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि वो जो बूथ लेवल ऑफिसर पवन कुमार हैं, जो सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा अशिष्टतापूर्वक और अमर्यादित तरीके से बातचीत की जा रही है, और इसके विषय में एसडीएम किशनी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया और संबंधित बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके विभागीय जाँच की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग की गई है। आज धर्म समाज महाविद्यालय के तमाम छात्रों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी जी को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, और उसमें हमने मांग की है कि जो अलीगढ़ में अवैध बूचड़खाने चलते हैं, जो तालिबानी मानसिकता के लोग हमारे त्योहारों पर जब हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं उस समय बकरे मुर्गे काटते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रहित का समर्थन करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे और बूचड़खानों को बंद कराने का कार्य करेंगे। आगरा में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश करने के आरोप में युवक को लोगों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीलीभीत में सड़क पार कर रहे 6 साल के मासूम को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। दरअसल बाइक सवार पर गौ मांस लेकर भागने का आरोप है, जिसके बाद तेज रफ्तार बाइक सवार ने मासूम को टक्कर मार दी, जिससे मासूम को गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बाइक सवार से बाइक को पुलिस को सौंप दिया। गोरखपुर के डोमिनगढ़ क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो पर पथराव कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरह से शांत कराया और स्कॉर्पियो में सवार एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर थाने लिया। इसी मामले में ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो में बच्चों की अदला बदली की जा रही थी, तभी बच्चों के चिल्लाने की आवाज पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसको लेकर हंगामा हुआ। एक सूचना मिली कि डोमिनगढ़ बंदे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को डोमिनगढ़ के कुछ लोगों ने रोक करके उनके साथ मारपीट की और उन लोगों को चोट आई है, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। घायलों को इन लोगों को भेजा गया है अभी चिकित्सा के लिए, और उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है क्या बात थी, क्यों मारपीट की गई है उनके साथ। और ऐसा अभी यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि बच्चे की अदली बदली कुछ दिख रही थी, अब तो जाँच करने के बाद ही पूरा पता चल पाएगा क्या बात। सीतापुर में अधिकारी सरकार के आदेशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीतापुर के जीएसटी विभाग की। सरकार के निर्देशों पर हर महीने जीएसटी विभाग के अधिकारी लाखों रुपए की वसूली करके सरकार के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। इसको लेकर जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अलीर सिंह गौड़ ने कहा कि वो अपने साथियों के साथ सरकार के निर्देशों को पालन करने के लिए 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाके सरकार के लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। हमें सरकार एक लक्ष्य निश्चित करना, उस लक्ष्य के अनुरूप मुझे काम करने पड़ते हैं। अगर इतनी लक्ष्य, मुझे 750 बिल कलेक्ट करने हैं, जिसमें 350 सेंसिटिव बिल हैं, और इस महीने का जो लक्ष्य मेरा है 25 लाख, उस 25 लाख के लक्ष्य पूरा करने की बात नहीं करना ही पड़ेगा, यही मैं पूरा करना। फरुखाबाद के बुढ़ना माऊ गांव में बदमाशों ने नलकूप पर सो रहे ग्रामीण की हत्या कर दी। वहीं हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फतेहपुर के हरियाणा थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट कर
बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़ित शख्स ने कहा कि बारिश का गंदा पानी घर के बाहर बहने को लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग घर में घुसकर मारपीट करते हुए नजर आए नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। फतेहपुर के चांदपुर में रहने वाली युवती ने अपने भांजे पर लाखों रुपए लूटने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। पति की मौत के बाद एक ट्रैक्टर लोन पर लिया था, जिसका उसका भांजा लगातार इस्तेमाल कर रहा था और उसका भांजा ये कहकर ले गया कि जो भी आमदनी होगी मेहनत के बाद किश्त निकालने के बाद आधा आधा ले लिया जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो भांजे ने पैसे दिए ना ही ट्रैक्टर लौटाया, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सन 1980 से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन नगरी आगरा में भी बीते 3 दशक से पर्यटन उद्यमी विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का जोशीले अंदाज में स्वागत सत्कार किया जाता है। वो इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर डीएम आगरा नवनीत सिंह चहल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरा से निकाली गई है और ये विभिन्न एरिया से होते हुए अल्टीमेटली हमारी शिल्प ग्राम पर जाकर क्लोज होगी। लगभग 2-2.5 घंटे का आपका ये ट्रिप रहेगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम अब की बार रीथिंकिंग टूरिज्म है, बेसिकली रीथिंकिंग एंड रीडेवलपिंग टूरिज्म आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ जो कोविड पेंडेमिक हमारा रहा। इस दौरान टूरिज्म काफ़ी प्रभावित रहा है और इस दौरान विश्व भर ने ये माना है कि टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना बड़ा ज़रूरी है। बाराबंकी के मसौली के रहने वाले गिरजेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वो कीपैड फोन यूज़ करते हैं। गिरजेश ने कभी अपने नंबर से व्हाट्सएप चालू नहीं किया। किसी ने इनके नंबर से फर्जी तरीके से व्हाट्सएप चालू कर अन्य प्रदेश के लोगों को परेशान कर ठगी का काम किया है। इन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब इनके नंबर पर उन लोगों की कॉल आना शुरू हो गई, जिसके साथ अश्लील हरकतें और ठगी हुई है। वो लोग गिरजेश को फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। हमारा मामला यह है कि हमारे मोबाइल नंबर पर किसी ने अज्ञात पुरुष ने जो है व्हाट्सएप बना लिया है, उससे वो जो गलत इस्तेमाल कर रहा है। उस पर जो है हमारे पर फोन आ रहे हैं कि जो है तुमको जो है पैसा दिलवाओ और नौकरी दिलाई जाएगी। नहीं तो आपका सिम किस मोबाइल में लगा हुआ है? आपके मोबाइल में लगा हुआ है? कीपैड पे, हाँ हमारे पे लगा हुआ है। और व्हाट्सएप चला रहे हैं आप? नहीं चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। फरुखाबाद में रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कमालगंज थाना पुलिस ने थाने के सामने टक्कर मारकर भाग रही बस को पकड़ लिया है। वहीं युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। श्रावस्ती के माधवपुरा घाट पर एक दंपति ने मासूम संग नदी में छलांग लगा दी। वहीं स्थानीय मछुआरों नदी में तलाशी के दौरान मासूम के शव को बरामद कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। घटना को लेकर परिजनों में भी कोहराम है। आज प्रातः 8:30 बजे के करीब थाना मल्लीपुर क्षेत्र में राप्ती नदी पर बने मधुवापुर पुल से एक पुरुष एक महिला एक मासूम बच्चे के साथ नदी में कूद गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने मोटरसाइकिल पुल पर खड़ी की, उसके बाद नदी में कूद गए। नदी में स्थानीय नाविकों द्वारा जो नदी में काम कर रहे थे उनके द्वारा बच्चे का शव नदी से निकाल लिया गया। फ्लड पीएसी स्थानीय पुलिस और लोकल गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है। सीतापुर से पीएफआई के 2 लोगों को एटीएफ और स्टेफ के ज्वाइंट छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के पिता ने बताया कि वह लगभग 5 साल पहले लखनऊ में कंप्यूटर के मैकेनिक का काम करता था, वहीं से उसने पीएफआई की सदस्यता ली, जिसकी जानकारी उनको नहीं थी। बजे दरवाजा खुलवाया, अंदर घुसे सब लोग और मुकेश से पूछताछ की और बाद में उनकी तलाशी घर की तलाशी ली, फिर उनको पकड़ कर ले गए। अच्छा, और 2 लोग जो कारीगर थे उनको भी ले गए। कितने लोग थे उनके साथ? उनके साथ करीब 20-25 लोग थे। 20-25 कब? सोनभद्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों के इस बार बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और चोरों ने मोटी दीवार को तोड़कर घर में चोरी की, लाखों रुपए का सामान लेकर भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।